अभी हम जाने लगे हैं अम्यूज़मेंट पार्क, जो नानचंग स्टार का अम्यूज़मेंट पार्क, तो यहीं पे करीब ही है, तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है। टिकट वो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा फेरस व्हील। ये देखें यार बिल्डिंग्स यहाँ पे। अच्छा जी, ये इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे नानचंग में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय व्लॉग। तो अभी हम जाने लगे हैं अम्यूज़मेंट पार्क, जो नानचंग स्टार का अम्यूज़मेंट पार्क, तो यहीं पे करीब ही है, तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है, तो दिखाते हैं आपको भी साथ साथ में। अच्छा यार, हम पार्क में एंटर हो गए हैं और सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें। ओए है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा फेरस व्हील। सर घूम रहे ऊपर देखते हुए इसे, तो बहुत ही ऊंचाई पे है। ये देखें यार कबूतर, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। ये देखें रिंग मैंने फेंका है, ये मैंने जीता है, गाड़ी है। टिकट यहाँ पे ये गाड़ियाँ चेक करें छोटी छोटी। ये जो है ना तकरीबन एक राउंड लेने में जो है तकरीबन घंटा ले जाता है, बहुत स्लो स्लो घूमता है। बस ये इसमें जो है ना व्यू दिखाना है, होता है सबको ऊपर लेके जाके। ये रही बोट, इसमें हमारी बड़ी यादें हैं, पाकिस्तान में भी चाइना में भी, उसका मैंने व्लॉग भी अपलोड किया है, जो हम टी फेस्टिवल पे गए थे। सारे झूले झूले हैं यहाँ पे तकरीबन, तो फैमिली बच्चों के लिए जो है। ये एक काम की चीज़ है इसमें भाई, एक तो वो फेरस व्हील हो गया, उसमें हम बैठ नहीं सकते क्योंकि इतना रश है, एक तो और लेट हो जाएंगे उतना, और घंटा ऊपर फिर घुमाते रहेंगे। उसके बाद ये मज़े की चीज़ है। अच्छा ये हम बैठ गए यार इसमें, और देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस इसका जाता है। वो सामने फेरस व्हील है, ये पूरी सेफ्टी जो है ना मैं पहना दी है इन्होंने, तो बस अभी स्टार्ट होने लगा। स्टार्ट हो गए भाई। मर गए तो भाई मेरी। ये देखें यार बिल्डिंग्स यहाँ पे, अमेजिंग। रात का व्यू बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, पार्क वगैरह से हम आ गए थे, अभी जो है ना हम टैक्सी में इधर आए हैं। एक इंडियन बुद्धा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो यहाँ इंडियन खाने मिलते हैं, देखते हैं। फर्स्ट टाइम है यहाँ पे हमारा, क्योंकि दोस्त ने हमें रिकमेंड किया है, उसने यहाँ से खाया हुआ है, तो देखते हैं यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, चलो कोई अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा जी, ये इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पर नानचंग में,
कोई भी यहाँ पे नानचंग आए ना तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें, इनके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं। हमें दोस्त ने भी रिकमेंड किया, अभी तो हम खाने लगे हैं, ऑर्डर किया हुआ है। ये देखिए इंशाल्लाह यहाँ पे आया करें इंशाल्लाह। ये अपना एड्रेस ज़रा बता दें। एड्रेस है आपका वांडा, वांडा प्लाजा के सामने। अच्छा, मेट्रो स्टेशन है वेतों, एग्जिट 4 से आप आएंगे मिल जाएगा। अच्छा, तो ये अपने चैनल के लिए, यूट्यूब के लिए ना, सही है। तो इनके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, इंशाल्लाह यहाँ पे आएँ। अच्छा, खाना हमने ऑर्डर कर दिया और जिस तरह खाना आता है ना तो इंशाल्लाह हम रिव्यू भी देंगे इस खाने का। तो जैसा टेस्ट होगा वैसे ही हम आपको रिव्यू देंगे इंशाल्लाह। तो आपको भी फिर दिखाते हैं हमने क्या ऑर्डर किया। अच्छा जी, ये हमने ऑर्डर किया, देखें बिरयानी है, वो साग हो गया और ये दाल तड़के वाली। यार टेस्ट करके आखिर में जो है ना मैं रिव्यू ज़रूर दूंगा इसके। ये इनके नान है यार, ये देखिए। अच्छा यार, यहाँ का हमने खाना टेस्ट किया है, बेहतरीन खाना है यहाँ का, बहुत ज़बरदस्त है। जैसा टेस्ट जो है ना आप लोगों को पाकिस्तान में मिलता है या इंडियन शो भी हैं, जैसा टेस्ट वहाँ पर है यहाँ पर उससे ज़बरदस्त है, उससे भी अच्छा टेस्ट है। तो जो भी नानचंग आए ना, तो आपको एड्रेस भी इन्होंने बताया है कि कौन सा एड्रेस है, तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, ओके। अच्छा, अभी हमने खाना वगैरह खा लिया और अब हम वापस जाने लगे हैं जूजन। तो अभी सबवे से, सबवे के थ्रू हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ से फिर ट्रेन हम करा चुके हैं ऑनलाइन टिकट, बस टाइम बहुत कम रह गया है तो जल्दी जल्दी अब जा रहे हैं। अच्छा, हम ये इधर नानचंग रेलवे स्टेशन पहुंच आए हैं, तो अभी बस टिकट वगैरह भी कर ली है, ऑनलाइन टिकट की है लेकिन वो रिजेक्ट हो गई, तो अभी बस ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। 12 बजे डोमेट्रिक बंद हो जाती है ना, हमारा हॉस्टल क्लोज हो जाता है, तो 9:41 की टिकट है, तकरीबन 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। 12 से पहले पहले हॉस्टल होंगे, तो आपको भी दिखाते हैं थोड़ा सा नानचंग रेलवे स्टेशन। ये लोगों के आराम करने की जगह है। टाइम कम रह गया और सारे भाग गए। आ जाओ आ जाओ। अच्छा यार, हम तकरीबन 11:20 पे जो है ट्रेन से उतर आए थे और 12 बजे हमारा हॉस्टल बंद होता है, तो शुक्र है टाइम से पहुंच गए थे। और उसके बाद टैक्सी की है, टैक्सी 10-15 मिनट में इधर पहुंच गए और अभी हॉस्टल है। तो बस यही था हमारा यार नानचंग का छोटा सा टूर। तो सारे पार्ट्स जो है ना ज़रूर देखिएगा और लाइक भी करना और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।